हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक दो शेरों से। सुधीर डिफेंस एकेडमी में आए हुए दो नए शेर। बेटा आप कहाँ से हो? इसमें बोली आवाज नहीं आएगी। सर मैं हाथरस से हूँ। ये हाथरस से है आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु, और आप कहाँ से बेटा? सर मैं मथुरा से हूँ। मेरा नाम मोहित चौधरी है। मोहित चौधरी मथुरा से। बेटा प्लीज थोड़ा इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैम दिख रहा है क्लियर? बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले उन सभी बच्चों के लिए, ये बच्चे बताएंगे आपको कितना दिन हुआ, क्या हुआ, फेज सेकंड से डरना है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। एक और बड़ी बात, बच्चों को बहुत गलत फहमी है कि सर फेज सेकंड को हवा बना दिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है ये। मैं खुद आपसे कह रहा हूं, आप मुझ पर बिलीव करते हैं, मैं कभी गुमराह नहीं करूंगा किसी को। मेरे यहां आने के लिए ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे यहां नहीं आएंगे तो पास नहीं हो सकते। बहुत आसान चीज है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है यह जानना जरूरी है। इन बच्चों के थ्रू आप यह समझ लीजिएगा कि भाई यहां आने से फायदा क्या होगा। अभी दिन बचे हुए हैं, 25 जनवरी के बाद आपका जीडी स्टार्ट होगा जिसे ग्रुप डिस्कशन बोला जाएगा। आपके पास अभी लगभग 40 दिन अभी भी हैं। यार आप घर पर बैठे हुए हैं, आप टॉपिक्स वगैरह पढ़ लिए हैं और आपको डिबेट की जरूरत है, केवल 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन एकेडमी आप आ जाइएगा, आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह की नहीं होगी। सबसे पहले मोहित आपको डिटेल में बताएगा कि भाई क्या जरूरी है और फेज सेकंड में है क्या एक्चुअली में, जो हवा हमें भी लगता था, इनको लगता था, अभी आपको बिल्कुल क्लियर बता देगा मोहित। एक बार प्लीज बच्चों को अपनी भाषा में एलैबोरेट कर दीजिए अच्छे से। मेरे हिसाब से फेज सेकंड में सबसे ज्यादा जरूरी है डिबेट करना। अगर आप डिबेट करोगे तो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। प्रैक्टिस तो घर पे सब कर लेते हैं, पर डिबेट के लिए आपको कोचिंग आना ही पड़ेगा, तो सबसे जरूरी है डिबेट। कितने दिन हो गए आपको मोहित भाई? मेरे को यहाँ पे हो गए 20 दिन। एक बार बच्चों को एनर्जी लेवल अपना बता दो, कैसे आप इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक कैसे बोलना चाहोगे और टॉपिक पर कैसे बोलोगे, एक बार एनर्जी के साथ किसी भी टॉपिक पर बोल दीजिए। तो वहाँ जो जीडी होता है उसमें हम ऐसे बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है मोहित एक बार जीडी दे के आ चुका है और एक बार फेज सेकंड में फेल बच्चा है, फेल हो चुका है, फेज सेकंड में ही फेल हुआ है पिछली बार। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपको बताएगा किस तरीके से बोलना होगा। प्लीज चलो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू गिव मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। माई नेम इज मोहित चौधरी, आई एम बिलोंग टू मथुरा लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। I have also participated in many extracurricular activities in my school days. Okay. Thank you. That's all about me. About the topic. In my opinion, this topic is related to child labor existed in our society. There is a 140 crore population in our India, and there is a maximum number of child labor is in India. It is about 3 crore according to government data. और किसी भी टॉपिक पर कैसे 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करना होगा, कोई भी टॉपिक रैंडमली किस तरीके से पार्टिसिपेट करना होगा। I am telling you about co-education. In my opinion, co-education is the platform where girls and boys are studied together and without hesitation and discrimination. And in co-education, we can reduce hesitation and improve our confidence level in front of opposite gender. And in co-education, we can prepare friendly and respected environment with opposite gender. And co-education also makes equality in opposite gender and improve our narrow mentality about opposite gender. Thank you. बहुत अच्छे मोहित भाई, ये सबसे जरूरी क्या है इनको ये बताइएगा कि कोचिंग में क्या फायदा हुआ आपको, ऑनेस्टली बताइएगा। कोचिंग में आने से मेरी हेजिटेशन दूर हो गई यहाँ बोलने की। पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल पाया था, पहले मैं फेल हो चुका हूँ एक बार जीडी में। ये फेल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो गई थी। तो हेजिटेशन कितने टॉपिक्स कवर हो गए आपके यहाँ? मेरे कम से कम 50 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। उन पर से क्या कहोगे जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कितने दिन यहाँ आके आप डिबेट कर लो? बस यहाँ आके बस आप 20 दिन डिबेट कर लो, 15 दिन डिबेट कर लो, पर हेजिटेशन दूर करने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। डिबेट करना जरूरी होता है, बहुत आसान चीज है, आपने घर पढ़ भी लिया तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन डिबेट जैसे अभी आपके सामने कैमरे पर भी बोल रहा है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है उसके सामने भी बोल रहा है, कोई भी हेजिटेशन नहीं है। और ये क्या होता है, कितने टॉपिक्स मैंने कराए अभी तक? सर आपने करा दिए 50 टॉपिक्स। मोहित भाई एक बार एनर्जी के साथ बता दो, मथुरा में किस गाँव से हो? मथुरा में बचगांव गाँव से हूँ मैं। कह दो बचगांव वालों से इस बार आ रहा हूँ, बचगांव वाले आ रहा हूँ इस बार मैं एयरफोर्स में।
बहुत अच्छे, अच्छा लगता है। एक बार प्रियांशु से मुलाकात करवा दी सर। प्रियांशु बेटा एक बार बच्चों को बता दो कैसे बोलना होगा डिबेट में, किस तरह पार्टिसिपेट करना होगा, क्यों जरूरी है सर डिबेट करना। सबसे ज्यादा डिबेट करना जरूरी है हेजिटेशन दूर करने के लिए, और बिना हेजिटेशन के हम बोल भी नहीं पाते। जिस दिन पहले दिन मैं आया था मेरे को इतनी हेजिटेशन थी, मैं बोल भी नहीं पाया था 2-3 दिन तो लगातार। ठीक है, अभी कितने टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं सर? 45-50 के करीब हो गए सर। 45-50 कर चुका है प्रियांशु, कितने दिन हुआ बेटा? मेरे को 22-23 दिन हो गए सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी टॉपिक पर बोलकर दिखाओ कैसे पार्टिसिपेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज प्रियांशु, आई एम फ्रॉम हाथरस लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। आई हैव डन माय हायर सेकेंडरी विद पीसीएम फ्रॉम यूपी बोर्ड। इट्स ऑल अबाउट मी। इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू एम्पावर वुमन इन आवर सोसाइटी एंड व्हाट इज द नेसेसिटी टू एम्पावर द वुमन। एज वी ऑल नो दैट एट वन साइड वुमन आर कंपेयर्ड एज गॉडेस एंड अदर साइड दे आर ट्रीटेड एज होर। इन माई ओपिनियन वुमन एम्पावरमेंट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेंथन द वुमन इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमन आर कंपेयर्ड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स एंड दे आर फिजिकली सेक्सुअली एंड मेंटली हरास्ट। दे हैव नॉट लीगल राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर। एंड इन माई ओपिनियन एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू एम्पावर द वुमन। वैन वी एजुकेट अ वुमन वी एजुकेट अ होल फैमिली एंड वी एजुकेट अ मैन वी एजुकेट अ इंडिविजुअल। सो आफ्टर एजुकेटेड वुमन दे नो हिज राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स। इट्स ऑल्सो बहुत बढ़िया। सो प्रियांशु एक बार बेटा कहाँ से हो आप? सर मैं हाथरस से हूँ सर। हाथरस में किस गांव से? सर मैं सादाबाद नगला गनी से हूँ। नगला गनी से सादाबाद वाले बच्चे जो बैठे हुए हाथरस वाले घर पर, एक बार ये बता दीजिएगा जो मैंने पैसा चार्ज किया है क्या वो अनुचित रुपए लिए हैं? नो सर। 20 दिन का खर्चा 10,000, 25 दिन का 12,500, इसमें रहना खाना कैसा है? सब बढ़िया है, बिल्कुल कंफर्टेबल है सब, और घर जैसा फील करोगे यहाँ पे। घर जैसा फील करेंगे। और मेडिकल बेटा मुझे तो यहाँ से जाने तक का मन नहीं कर रहा है। मेडिकल कराया हमने, मेडिकल भी कराया, फिजिकल भी चलता है डेली सुबह शाम। बहुत बढ़िया। और डिबेट चलती है 2-3 टाइम, प्रॉपर डिबेट मैं करा रहा होता हूँ। मैं आपसे इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप मेरे आइए, बस इसलिए कहता हूँ जो फेस सेकंड में फेल हुए हैं, जिनको डर लग रहा है, आप 10 से 15 दिन मुझे बस दे दीजिएगा। आपका सारा डर, आपका सब कॉन्फिडेंस लेवल, 40 से 50 टॉपिक, हर टॉपिक पर 4-4, 5-5 बार डिबेट, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप एक बार फेस सेकंड में फेल होकर आ रहे हैं तब आपको पता चलता है कि तैयारी का कितना महत्व होता है। जो बच्चे घर पर ही पढ़ रहे हैं उनको भी मैं ये कहूंगा, कोई गलत नहीं, आप घर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज डिबेट ग्रुप में करिए, जूम पर करिए, दोस्तों के साथ करिए, उससे आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना प्रियांशु, एक बार एनर्जी के साथ बोल दो सर इस बार एसडीएफ से एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। सर इस बार एसडीएफसी से एयरफोर्स ज्वाइन करके ही निकलूंगा। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे हमारे सर? ये कहना चाहूंगा अगर आपको एजुकेशन दूर करनी है, जीडी क्लियर करनी है, तो एसडीएफ आना ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, दोनों ही एक नंबर के लड़के हैं, बहुत ही मेहनती लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस बार माहौल बिल्कुल ऐसा किया घर जैसा, कोई हमने जो पैसा इनसे पूछ लीजिए लिया है वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐसा नहीं किया कि जो बहुत अनुचित पैसा हो, ना बच्चों को एक को भी फील हुआ, कोई भी लौट कर नहीं गया। एक बार क्या मोटिवेशनल लाइन क्या कहना चाहोगे, लाइफ में क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे अपने, जो आपका एक वो है कि सर मैं ये सोचता हूँ ऐसा अपने, मतलब मैं सोचता हूँ मेहनत करते चलो और अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एनर्जी से बोल दो बस, एनर्जी, एक एनर्जी से मजा आ जाए, अपने शब्दों में मेरी बातों में नहीं, एनर्जी के साथ बोल दीजिए। क्या कहोगे जो बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, जो भी हरास्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, उनके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस करते चलो अपनी जिंदगी में, आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, और अगर आपको एजिटेशन दूर करनी है तो सुधीर सर की कोचिंग आना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, एक अच्छी बात इसने बोली है मोहित ने, भाई डिमोटिवेट नहीं हुआ है, होना है, एयरफोर्स मिले ना मिले ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइफ में कुछ बहुत बड़ी बात कही है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो लोग घर बैठे हुए ना पूरी जिंदगी मक्खी मारते रह जाओगे, ऐसे ही होना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे यहां पर आइए, बस ये कह रहा हूं कि लाइफ में एक असफलता होने के बाद में हार मत जाइएगा। बहुत, मैंने 5 बच्चे पढ़ाना शुरू किए थे, शायद मैं 5,000 रुपए कमाता था, और आज सब कुछ जो मेरी अवस्था में मेरे पास होना चाहिए था वो मैंने गेन किया। इसका भी मुझे कोई ऐसा नहीं कि एरोगेंस है, मैं वैसे बोल रहा हूं, बस बता रहा हूं मुझे एक चीज समझ में आई कि वर्क इज वर्शिप। अल्टीमेटली फाइनली कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करिए, ये जीडी और ये तो बहुत छोटी चीज है, फेज सेकंड हो गया, जीडी हो गया, ये सब बहुत आसान चीजें हैं। आप क्या कहोगे बच्चों के लिए लास्ट में? सर मैं बस ये कहूंगा, अपने सपने तो सब पूरे करते हैं, बस एक बार माँ बाप के सपने के पूरे करके देखो। बहुत सही बात कही है, पेरेंट्स आपका दे आर वेटिंग एक्सपेक्टेंटली, बहुत ही ईगरली वो वेट कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा, मेरा बेटा एक दिन ये नौकरी पाएगा, और तब मैं सीने से ये कह पाऊंगा
यस माय सन और माय डॉटर हैज डन फाइनली, और वो कर दिखाया है। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट दोनों के लिए। और ये कॉन्फिडेंस इनका देख रहे हो तुम, एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी आती है जब आप किसी लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड लव यू ऑल।